नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं समझा रहा था। आज मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 326 से लेकर 350 के बीच में। प्रत्येक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले जो भी पार्ट में डाल चुका हूं उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी है जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से। उसमें आप जो भी पार्ट में डाल चुका हूं वह आप देख सकते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और पीडीएफ से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हमारी एबी क्लासेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मैं इसकी जो लिंक है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एबी क्लासेस डाउनलोड करने को मिल जाएगी और आप इसको प्लेलिस्ट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम को ज्वाइन कर लें। वहां पर जाएंगे आपको तो डेली 20 क्वेश्चन फ्री मिलेंगे आपको क्यूज के रूप में। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। ई बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पीडीएफ से स्टडी करने को मिलेगी। वीडियो सेक्शन भी रहते तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 326 समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइमेंशनल लेस क्वांटिटी, मतलब इनमें से बताना किसकी डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होती है। तो नॉर्मली हम जानते हैं शियर स्ट्रेस की यूनिट होती है तो उसकी डायमेंशनल क्वांटिटी बनेगी। टॉर्की भी में न्यूटन मीटर होता है तो उसकी भी हमें क्या लगता है डायमेंशनल क्वांटिटी बनेगी। नन ऑफ द दीज तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो पॉइजन रेशो है इसका हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन स्ट्रेन होते हैं तो मतलब क्या होता है इसकी कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होती है, कैसा होता है यूनिट लेस होता है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट करूंगा ग्रीन कलर से, आप समझ जाएंगे कि ये वाला आंसर राइट है। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसको भी आप समझिए, इसको मैं अच्छे से ग्रीन कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट सूटेड फॉर लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। इसके लिए कर्व पूछा तो एक कर्व बहुत सारे दिए रहते हैं, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है कि आपको बनाना तो आता नहीं होगा। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसका जो ऑप्शन होगा राइट वाला वो ऑप्शन है सी वाला। तो ए सी वाले पे मैं टिक कर देता हूँ, कौन सा सी वाला। ये जो बना हुआ है ये जो ई लिखा हुआ है या सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब ये होता है स्ट्रेस, ये होती है स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में ये कर्व बनाया गया जो भी यहाँ पर जिसके बारे में पूछा गया। तो इसका सी वाला ऑप्शन लास्ट वाला राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच फॉर्मूला करेक्टली डिपेक्ट्स द इलोंगेशन इन अ कंपोजिट बार। एक कोई कंपोजिट बार है उसमें इलोंगेशन हो रहा है कोई फोर्स लगने का, तो उसका जो कंपोजिट बार उसका इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें बताना है। तो आपने नॉर्मल पढ़ा हुआ डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है पी एल अपॉन ए ई, ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवाए। तो यहां पर हम जानते हैं क्या फोर्स लगने का, फोर्स तो एक लगता है मतलब टेंसाइल लग रहा है या फिर कंप्रेसर लग रहा है, लेकिन परिवर्तन किस में होता है उसकी लेंथ में होता है और एरिया में होता है। तो क्या होता है पी एल अपॉन ए। तो यहाँ पर परिवर्तन किस में होता है लेंथ में और एरिया में। तो ऐसे ही आप देखेंगे इसमें लेंथ और एरिया में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। देखो इन तीनों में कहीं भी दोनों एक साथ नहीं है परिवर्तन साथ, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में परिवर्तन दिया है। ई क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पी क्या जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये क्या चेंज इन लेंथ है, और जी ओरिजिनल लेंथ नीचे एरिया। तो इनमें देखेंगे लेंथ और एरिया दोनों परिवर्तन हो रहा, फॉर्मूला करेक्ट वाला। तो ये इसको मैं टिक कर देता हूं, ये इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार विथ लेंथ एल एंड सेल्फ वेट, मतलब सेल्फ वेट के कारण पूछ रहा है कि वो स्वयं के भार के कारण कितना परिवर्तन हुआ। तो स्वयं में क्या भार लगेगा तो उसमें कोई भार नहीं लगा, तो मैक्सिमम जितना उसका वेट है उसकी उसके आधार पर क्या हुआ उसमें परिवर्तन हुआ। तो मैक्सिमम तो आएगा इसमें, तो इसमें देखेंगे हम सी वाला ऑप्शन है डब्ल्यू एल अपॉन ए। कई जगह पी भी लिखा रहता है तो डब्ल्यू एल यहाँ पर लिख दिया, जैसा ऑप्शन दिया वैसे ही टिक करना है। तो चूंकि लोड को दर्शा रहा है, एल लेंथ को दर्शा रहा है, एरिया को ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और टू इसमें जो भी हम डेरिवेशन करते हैं उसमें वैल्यू आती है, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो, हमें पॉइजन रेशो निकालना है इफ द इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी की वैल्यू दी है कितनी 200 गीगा पास्कल एंड 66.67 गीगा पास्कल। तो
इसको निकालेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हम जैसा मैं बता दूं, पहले से मैं सॉल्व करके रख लेता हूं, आपको सिर्फ यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं समझा देता हूं इसको। तो यहां पर देखेंगे ई इज इक्वल टू, ये इसको हम किससे नोटिस करते हैं, कैपिटल ई से, जबकि जो रिजिडिटी है कई जगह जी लिखा रहता तो कई जगह सी लिख रहा था। यहाँ पर जो डाटा के माने अगर उसमें कोई यूनिट परिवर्तन नहीं कर रहा है तो लिखने की कोशिश ना करें, समय बर्बाद ना करें, सीधा फॉर्मूला उतार रहे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वह होता है, आपने ई और सी में रिलेशन पढ़ा होगा, इक्वल टू 2c और ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। कई जगह हमारे जो पॉइजन रेशोस को 1 बाय m से भी रोटेट करते, तो याद रखें इसकी जगह म्यू की जगह या फिर म्यू से रोटेट करते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। e की वैल्यू कितनी रखी, कितनी दी है 200 इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू दी है 66.67 और ब्रैकेट में कितना दिया 1 प्लस म्यू। म्यू हमें निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इधर की इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको मैं देख लेता हूँ। इसको जो अगर मान लो और सॉल्व करने की कोशिश की और सिंप्लीफाई किया इसने, इसको कैसा लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है सोल्यूशन के अनुसार 200/3। ऐसा क्यों किया, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर कर सकते थे। यहाँ पर उसने क्या किया, 200 को 200 से काट दिया और जो वैल्यू आई इसको इधर लाए, तो क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस म्यू। ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू यहां से आई, इसका अगर 3 का 200 भाग देंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, ऐसा लिखने की कोशिश की। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आई उसको इसमें डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर मैंने थोड़ा सा अलग से, मतलब जब कैलकुलेटर वगैरह नहीं होता है, जब एग्जाम देते तो कैसे करेंगे, वैसा समझाने की कोशिश की। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर म्यू इक्वल टू निकालना है, तो 3/2 अपनी जगह रहेगा, माइनस ए बन जाके इधर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसको 1 मान लेंगे, तो ए क्या होगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। विदाउट कैलकुलेटर के आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है जो मेरा आंसर आया वही आपको आएगा। यहाँ पर लिखा व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर लिक्विड M1 एंड वेपर M2 मिक्सर। तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है जी हमारा x इक्वल टू M2 बटे M1 प्लस M2। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले वगैरह वो आपको याद करना पड़ेंगे, जैसा मैंने ये बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर। दो टेम्परेचर दिए, इसका हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना। तो चलते हैं इसको सॉल्व करके समझा देता हूं मैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें जो भी हमारी वैल्यू दी है उसको यहां पर गिवन नहीं लिखना है। हम जानते हैं कि जो वर्क डन और कार्नोट साइकिल उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, T1 - T2 / T1। और इसके इक्वल में क्या हो, जो जो इफिशियंसी होती है वह होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब जो हीट सप्लाई होती है इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो T1 T2 की वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे 1000 जो दी है माइनस 100 वैल्यू दी है अपॉन क्या कर देंगे जो T1 मतलब 1000, इसको यहां पर वर्क डन अपॉन Q1 लिख देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर का कितना आएगा 900 आएगा अपॉन 1000 हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। अगर हम इधर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा और इक्वल में क्या होगा वर्क डन। अब यहाँ पर Q1 नहीं दिया तो हमने मान लिया कि जो हमारी पर यूनिट क्या हो रहा है हीट सप्लाई हो रही, तो इसको कितना मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। तो इसको 1 मानेंगे तो एक इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये 0.9 वाला आंसर आ जाएगा पर यूनिट वर्क डन। नेक्स्ट लिखा व्हेन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी। जो एंट्रोपी है रैंडमनेस जो रहती है वह इंक्रीज होने पर बढ़ती है और रैंडमनेस कम होने पर कम होती है। तो यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है मतलब हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर अ हीट पंप द सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी कैन बी रिटेन द फॉर्म। इसको लिखा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी बटे कार्नोट की एफिशिएंसी। तो आप देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन लिखा फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी बटे 1 - T0/TA कार्नोट की एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हिच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइंस द स्टेट ऑफ व्हाट
वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, तो जो बेस्ट डिफाइंड वैल्यू करती है वाटर एट ट्रिपल पॉइंट वो होती है जीरो, मतलब शून्य। इस छोटी छोटी क्वेश्चन है, इनको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि चाहता हूं ना समय थोड़ा सा कम लगे। आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे डेली क्यूज, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो मिक्स रहते हैं, और आप हमारी एप्लीकेशन पर किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसको एक बार विजिट जरूर करें और अच्छे से उसको समझें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, इसमें कौन सी साइकिल है जो इसकी मतलब कंप्रेशन इग्निशन साइकिल बोल सकते हैं? तो ये होती है डीजल साइकिल। कौन सी होती है? डीजल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वह डीजल ऑफ डीजल इज एज कंपेयर टू द पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल की पेट्रोल इंजन की तुलना में कंपेयर करना है। तो जो डीजल का जो हमारा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल की तुलना में हमेशा कम होता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन सुपर चार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में सुपर चार्जिंग डन हो रही, तो क्या बोल रहा है वो, ये तो क्या होता है? इसमें जो होते हैं हमारा जो इसका ऑप्शन है राइट, तो इसमें क्या होता है, इसके क्या होता है जो हमारी नॉकिंग है वह इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा इग्निशन इंजन है उसमें सुपर चार्जिंग नहीं होती है, और जो आने वाला फ्यूल है उसका जो प्रेशर होता है और जो डेंसिटी होती है वह इसकी अधिक होती है, जिससे के कारण क्या होता है इसकी नॉकिंग इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिनोटेशन इन इंजन। इंजन के अंदर जो डिनोटेशन होता है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इन चारों में बताना है किसका। तो ये स्टोइकोमेट्रिक है जो फ्यूल मिक्सर है, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी क्लासिफाई एज प्योर सब्सटेंस। इनमें से हम बताना कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारा क्या होता प्योर सब्सटेंस के रूप में काम नहीं करता है, कैन नॉट बी लिखा हुआ है, या उसको उस रूप में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड लिखे, लेकिन ह्यूमिड एयर ऐसा यहाँ पर कंपाउंड है जो लिखा हुआ है सब्सटेंस, कि जिसको हम क्या कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका हमारा भी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट इफिशियंसी इन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एक गैस है जो एक आदर्श या मतलब कहते नहीं आइडियल ऑटो साइकिल में जो हमारा कंप्रेशन रेशो है कि वह जो उसकी जो जो हमारी इफिशियंसी क्षमता है वह मैक्सिमम के लिए सेम कंप्रेशन रेशो के लिए हाईएस्ट इफिशियंसी ऑप्टेन करेगा। तो इनमें से हमें वह है जो बताना है, वह है हमारा जैसे यहाँ पर लिखा है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन। इन गैसों में अगर देखें तो हीलियम गैस ऐसी है जो हमारा कैसा हाईएस्ट इफिशियंसी प्राप्त कर सकता है सेम कंप्रेशन रेशो पर। तो इन सभी क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको मिलते जा रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर है हीट हीट का, उसके अबाउट पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो उसके अबाउट मतलब सत्य बता रहा है, तो उस स्टेटमेंट को हमें पहचानना है। तो ये लिखा था हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल। कैसी होती है हीट? रिवर्सिबल होती है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन है वो इसके संबंध में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, इफ अ हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी देन व्हाट काइंड ऑफ मशीन इन दिस। क्वेश्चन पूछा है किस कौन सी मशीन होती है ऐसी जिसमें या जिसने की स्टेटमेंट के आधार पर उसमें कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं होता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपने सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, उसके पहले ऐसा बताया जाता है परपेचुअल मोशन मशीन के अंदर कि जितना हम इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेंगे, PPM1 बोलते हैं इसको। तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन अ पीटी फेस मतलब प्रेशर टेम्परेचर फेस है, डायग्राम है किसके लिए? प्योर सब्सटेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड रीजन। सॉलिड और लिक्विड रीजन को कौन सी लाइन है जो इसको सेपरेट करती है, ऐसा हमें बताना है। तो आपने पढ़ा होगा तो बता दोगे, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लें। जैसे कि इसकी सी ऑप्शन है मेल्टिंग और फ्यूजन लाइन है जो इसको सेपरेट करती है। इस तरह बहुत सारी आपकी जो थ्योरी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के फिर से पूछे जा सकते हैं।
व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन है ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर। जो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर है उसके लिए जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके आंसर आपको मिल गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम अ इनिशियल स्टेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.1 मेगापास्कल टू अ फाइनल स्टेट 0.2 मीटर क्यूब एंड 0.1 मेगापास्कल। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल ऑफ हीट, हीट की वैल्यू दी है 35 फ्रॉम द गैस, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले चेंज इन इंटरनल का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हीट सप्लाई आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, हीट सप्लाई इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हमें इसको निकालना है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पर दी है, देख रहे हो 35, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू इक्वल टू 35 दिया, इसकी जगह रख सकते हैं। अब वर्क डन नहीं दिया तो वर्क डन इक्वल टू आपने पढ़ा होगा पी डी वी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से पी वी वन माइनस वी टू आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर वर्क डन निकालेंगे तो पी की वैल्यू आप देख रहे होंगे 0.1 मेगा पास्कल दिया है ना, मेगा पास्कल को हम 0.1 इंटू 10^3 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे तो पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पी की वैल्यू वी वन वी टू क्या है देख रहे होंगे आप, वी वन वी टू क्या है, ये वी टू हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, ए वाला वी टू हो जाएगा, जबकि 0.4 ए वाला वी वन हो जाएगा। तो वी वन कितना दिया है 0.4 माइनस 0.2। अब यहां से इसको हमने जो वर्क डन निकाला, जो मैंने फाइंड आउट किया है, वर्क डन आया 2 × 10^4। अब यहां से हमें वैल्यू पुट करना, क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 35 दिया हुआ है, इसको भी हमें चेंज करना है, एक किलो जूल में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 35 × 10^3। तो अब यहां रखेंगे क्यू की जगह 35 × 10^3 माइनस 2 × 10^4। तो इस तरह के कुछ वैल्यू यहां पर रखना है चेंज इंटरनल इक्वल टू। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो कितना आएगा, 15,000 ऐसा समथिंग आएगा, और किस में आएगा, जूल में आएगा। अगर हम इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10^3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 किलो जूल। जो भी ऑप्शन हमें लगेगा उसको मैं राइट कर दूंगा। कैलकुलेशन कई बार अगर मिस्टेक हो तो आप इसको सही करके आंसर सही कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये आपको दिख रहा है, ये आप अपने अनुसार भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम, स्टीम की वेलोसिटी पूछा है, एग्जिस्ट अक्रॉस अ स्टीम व्हाइलस्ट व्हिच इज परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क एंड अंडरगोज अ ड्रॉप ऑफ इतने इन द एंथैल्पी फ्रॉम एंट्री टू एग्जिस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ, सॉल्व करके इसको भी समझा देता हूँ। तो जो एग्जिस्ट होती है उसको हम v2 वेलोसिटी, उसको v2 से डिवाइडेड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 40.72 रूट के अंदर होता है एच डी, और जो एच डी दिया हुआ है ड्रॉप अंडर हो जाए ड्रॉप पर हम कितने दिया हुआ है 0.2। इसको हमें क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना 44.72 रूट के अंदर 0.2। इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है आ रही 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला भी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है हीट इंजन की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑफ वर्क दिया कितना 100 किलो जूल पर साइकिल, द एफिशिएंसी भी दी है 50%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, मतलब हमें क्या निकालना है। Q1 Q2 होता है, एक तो होता है हीट सप्लाई और एक होता है हीट रिजेक्ट। तो Q1 हीट सप्लाई होती है हीट इंजन के अंदर, Q2 हीट रिजेक्ट होती है, मतलब हमें Q2 निकालना है। इसको भी मैं फास्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जो दिया है वर्क डन W इक्वल टू कितना दिया है 100 किलो जूल, इसके अलावा जो इफिशियंसी दी है कितनी दी है हीट इंजन की 50%, और 50% को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे 100 का डिवाइड करके 0.55। इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं दिया, तो इफिशियंसी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई क्या होती है Q1।
तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या रख देंगे, 0.5 रख देंगे, W इक्वल टू क्या रख देंगे, 100 रख देंगे, यहां पर Q1 रख देंगे, Q1 इक्वल टू हमें निकालना, तो ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन 0.5, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 किलो जूल। हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2, तो W इक्वल टू यहां पर दिया है 100, इक्वल टू Q1 हमने निकाला 200, सॉरी ये Q2 है, तो Q2 हमें निकालना है, तो Q2 इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जी हाँ जी, Q2 इधर आ जाएगा, कोई तो हो जाएगा जी, इधर आ जाएगा, 200 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल। अब देखेंगे 100 किलो जूल वाला सी वाला ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हो, पूछ रहा जो 2 वाला रीजन है ये लिख रहा ना, व्हाट इज द रीजन 2 इन द पीवी डायग्राम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, तो इस दौरान होता है, वैसे एंथैल्पी इसमें क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है, तो हम देख रहे हैं एंथैल्पी को ऑप्शन में ए डी वाले में, स्टीम एंथैल्पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्या रहती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान स्टीम जो हमारी एंथैल्पी वाई कैसे रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो उम्मीद है जो भी क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के रूप में समझाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो भी रहते हैं वो भी समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।